मुंह के ऊपर पूरा जल पानी आ रहा है। ये है मनेरी डैम। ये है टिहरी झील। मुझे समझ नहीं आ रहा, यहाँ पे गंगा जी का जल देखिए कैसा बढ़िया है, ग्रीन ग्रीन एकदम। कल रात को 9 बजे प्रोग्राम बना हमारा घूमने का, और कहीं जा रहे हैं हम टूर पे प्रीति के साथ। और मेरा कुछ भी काम नहीं था। एक तो यहाँ पे ना बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ी समस्या कह लो, ATM में पैसे नहीं मिलते, क्योंकि अब टूरिस्ट आ गए हैं, आने लगे हैं। तो यहाँ से लेके और पूरी मतलब ये वाला रोड, दिल्ली हरिद्वार रोड, एक भी ATM में पैसे नहीं। जाके देहरादून रोड पे वहाँ गई, एक HDFC बैंक था, वहाँ पैसे मिल जाते थे, आज वहाँ भी नहीं मिले। फिर कोई नया बैंक खुला है इंडसलैंड, भगवान का शुक्र है वहाँ पैसे मिले, जब जाके काम चला। मैं और शर्मा जी ना कम पैसे रखते थे अपने पास, क्योंकि जितने पैसे होते हैं ना फिर खर्च हो जाते हैं, ये भी बचाने का तरीका होता है। भैया हमारा सामान है रेडी है। दिया पूछेंगे नहीं कहाँ जा रहे हैं? मेरे को तो पता है। नहीं अभी नहीं, मैं फिर करके बताते हैं। सरप्राइज सरप्राइज। रेडी अभी कहाँ से थप्पड़ मार के अटका खड़ी हो गई। आज हम अपनी कार में नहीं जा रहे, प्रीति के साथ जा रहे हैं। हम लोग इतने एक्टिव है ना, अब हमें पता नहीं है हमने क्या सामान छोड़ा है क्या नहीं छोड़ा, पर हम आके खड़े हो गए और दिया मम्मी ये गाड़ी आ गई, मम्मी ये वाली गाड़ी आ गई, मम्मी अब आ गई। जब से बोली जा रही है ये दो वीडियो अपलोड करके जा रही हैं, और इन्होंने अपनी बैठने की जगह भी ढूंढ ली। अपना काम करके जाना चाहिए ताकि आप हमारी वेट ना करें। मुझे बैठने दो, वह बूढ़े माँ बाप को बैठने देना। नहीं आप जवान हो ना। नहीं बूढ़ी हूँ मैं, बैठने के नाम पे बूढ़ी। दिया ने बोला है आंटी आज आ रही है ना पक्का। सॉरी टू कीप यू वेटिंग। कोई बात नहीं भाई, आज हम जा रहे हैं, हमने सरप्राइज रखा था उत्तरकाशी। तो प्रीति जा रही थी, प्रीति ने मेरे से पूछ लिया, तो मैंने कहा भाई मेरे हस्बैंड जा रहे थे तो मैंने कहा हमें भी ले चलो। हाँ काम से जब जा रहे हैं तो हम घूम आएंगे इस बहाने ना। फिर प्रीति को मेरी याद आ गई कि एक बार साक्षी को निकाल देते हैं फिर निकल जाएगी। ये हमारा भद्रकाली वाला रूट जिसपे हम वॉक करने जाते हैं ना। प्रणाम। हाँ भैया ने प्रणाम नहीं किया। भैया को आप जानते ही हो। ये हम जाएंगे नरेंद्र नगर की साइड से। ये आ गया है नरेंद्र नगर। यहाँ भी बहुत जाम लग जाता है कई बार, क्योंकि छोटा रोड है ना ये, हम कई बार जाम में फंसे हैं। पूरी मार्केट है ये नरेंद्र नगर की। हमने मन इच्छा देवी मंदिर दिखाया था ना, वहां से होके आ रहा है ये, शायद अभी तक नहीं बना है पूरा ना, पहले भी नहीं बना था। मैं और शर्मा जी बीच में से होके आ गए थे यहाँ से। ये दिया ने ना बोला नहीं, अभी आंटी और अंकल बैठे हैं, थोड़ी शर्मा रही है, कुंजापुरी का था और बहुत बादल आए हुए हैं इस टाइम। ये देखिए ये एक ट्रीटमेंट होता है जो पहाड़ को, उसके लिए रोका जाता है ना भैया, स्लोप प्रोटेक्शन। हाँ मतलब इससे, पर ये सारी जगह क्योंकि बहुत कॉस्टली होता है शायद ये ना, हाँ लैंडस्लाइड रोकने के लिए किया जाता है। ये सामने चंबा आ गया। यहीं से काना ताल का रास्ता जाता है, जो फैब में बर्फ पड़ती है ना। मैं और शर्मा जी गए थे काना ताल दिखाए थे, यहाँ से थोड़ी दूर बर्फ शुरू हो जाती है। हाँ थोड़ी दूर जाके ही ना चंबा से बर्फ शुरू हो जाती है, ज्यादातर फैब में पड़ती है ना। न्यू टिहरी आगे गया और हम इधर आ रहे हैं टिहरी वाली साइड में, अब उतर रहे हैं कुछ पेट पूजा। वैसे तो मैं पराठे वराठे बना के लाए थे, पर अभी दिन का टाइम है तो थोड़े दोपहर का, दिन का नहीं दोपहर का, तो दाल राइस खाएंगे या राजमा चावल।
दाल, चने की घिया, चने की दाल, दही और ये प्याज भी है साथ में, प्याज भी है साथ में, और आलू की सब्जी और पराठे हम अपने लाए थे। फिर हम ये कह रहे हैं रोटी जरूर मिलेगी तो हम बाद में खाएंगे। ये भैया का नहाने का मन कर रहा है, उधर बना रखा नहाने के लिए, अरे पीछे बना रखा है। इस जगह का नाम है बाग बाटा, क्योंकि यहाँ ये ना बाग जाने का रास्ता था, तो इसलिए बाटा मतलब रास्ता, तो इसलिए बाग बाटा नाम है। बाग बहुत जाते हैं यहाँ पे। ये नेचुरल पानी आ रहा है पहाड़ से और बहुत ठंडा है। ये आ गया टिहरी डैम, कहा गया ये देखो। ये है टिहरी झील। मुझे समझ नहीं आ रहा है, यहाँ पे गंगा जी का जल देखिए कैसा बढ़िया है, ग्रीन ग्रीन एकदम, और उधर जाके वहाँ थोड़ा गंदला सा हो जाता है, मिट्टी मतलब मटमैला सा, और बीच में बोट भी तैर रही है, और ये बोट हाउस बने हुए हैं, और वो पीछे डोबरा, वही है भैया डोबरा चाटी, डोबरा चाटी का वो ब्रिज है वो, किसने बनाया था वो। वेदर यहाँ भी साफ नहीं है, धुंधला धुंधला है, पता नहीं क्यों है, समझ नहीं आ रहा। दिया अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए लगी हुई है, और ये हमारे भैया भी लगे हुए हैं अपनी इंस्टाग्राम की स्टोरी के लिए। एक चीज़ मैंने यहाँ नोटिस करी थी, पिछली बार भी आए थे, जो एरिया गंगा जी के साथ साथ जा रहा है ना, मतलब जहाँ से गंगा जी गंगोत्री, बहुत ही ज़्यादा ग्रीन है वो एरिया, वरदान है। देखिए कितना, मतलब जैसे गंगा मैया है ऐसा ही पूरा ग्रीन, बहुत शानदार इलाका है ये ना, उत्तरकाशी का भी बहुत शानदार एरिया है सच। ये कंस्ट्रक्शन चल रही है उत्तरकाशी में जगह जगह, जब भैया दूसरे रास्ते से लेके आए हमें। इस बार ना ये रोड गंगोत्री के लिए भी रिस्की होगा, क्योंकि बरसात आएगी, तो नेक्स्ट ईयर तक वेट करना चाहिए। पत्थरों से बचाने के लिए ना शायद पूरा यहाँ से लैंडस्लाइड ज्यादा होता होगा, तो इसलिए ये पूरा के पूरा अंडरपास बना रहे हैं शायद, है ना ये। हाँ वही है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा, और वो पूरा ट्रीटमेंट भी किया हुआ है। ये कौन सी टनल है? कामाखानी। कामाखानी जब हम आए थे पिछली बार, हाँ थी ये, तब भी थी, 2 साल पहले आए थे दिया को लेने। जब से हम गाड़ी में बैठी है ना तब से ही सोती आ रही है ये। अपने मजे ले रही है आराम से। ये दोनों ऐसी थी, शिवांगी और ये दोनों की दोनों, इनको गाड़ी में बिठाते बैठी बैठती सो जाती थी ये। ऐसी ये मेरी हेल्पर है, मैं अकेली गई तो ये सोती जाएगी, मुझे अकेली बनानी पड़ेगी वीडियो। मैंने भैया को बोला थोड़ी देर गाड़ी रोक दो, हम जरा कमर सीधी कर लें, क्योंकि बैठे बैठे जाम हो गई थी। और ये देखिए गंगा मैया ना पूरे रास्ते, मतलब जो जो रास्ता गंगा मैया के बीच में है ना, बिल्कुल ग्रीनरी है, एकदम ग्रीनरी है। देखिए यहाँ जल थोड़ा मटमैला है, मैंने भैया से पूछा तो उन्होंने बताया कि टिहरी लेक ना गहरी है बहुत ज़्यादा, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि गहरी है तो मिट्टी नीचे जम जाती है, तो इसीलिए वो क्लीन था एकदम से जो मिट्टी थी ना। यहाँ पे कम गहरी है, वैसे ही पत्थर है, तो इसलिए यहाँ पे मिट्टी नजर आती है। मैं भी वही सोचूं वहाँ पे इतना ग्रीन कैसे है। क्या सुंदर नजारा है ना यहाँ, नीला आसमान, क्या नीला ब्लू ऐसा आसमान। तो देखिए ये जो नदी है असिया नदी है, ये घोड़ी ताल से आती है, इसका जल पानी देखो कितना साफ है, और वो भागीरथी है मतलब गंगा जी है वो उधर उसमें जाके इसमें मिल जाता है, ये सहायक नदियाँ हैं तभी ये बन के चलती हैं। तो हम कहते हैं ना कि गंगा जी की सहायक नदियाँ बहुत सारी हैं, धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं। ऐसे घर कितने अच्छे लगते हैं ना एकदम से। बस नदी के अंदर कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए, नदियों के पास अपनी जगह होनी चाहिए, मतलब अतिक्रमण नहीं होना चाहिए नदियों का, चाहे कहीं भी हो, ऋषिकेश में हो, कहीं भी हो, कोई भी हो।
ये गंगोत्री का लास्ट जाने 100 किलोमीटर रहता है यहाँ से, और यहाँ पे ये अंतिम पेट्रोल पंप है। हम 2 साल पहले आए थे, तब शर्मा जी मतलब ये यहाँ पे लगा हुआ था बोर्ड शायद ना, अंतिम पेट्रोल पंप, तो शर्मा जी की नज़र पड़ गई, कह रहे अरे ये तो अंतिम पेट्रोल पंप है और 100 किलोमीटर दूर है, और इतनी लंबी लाइन लगी हुई थी ना इस पे रोड पे। हमने फिर वापस आके दोबारा से लंबी लाइन में घुसे और फिर पेट्रोल डलवाया। आज वो सारी यादें इतनी ताज़ा हो रही है ना, बहुत मतलब इंजॉय किया था इस वाले रोड को भी, क्योंकि बहुत ही सुंदर रोड था ये, मतलब था नहीं है। भैया को गंगोत्री जा रहा है साइड पे है ना, निलोंग, तो वो गंगोत्री से कितनी दूर है भैया? गंगोत्री से 8 किलोमीटर पहले। हाँ, हैरो घाटी से। अच्छा, हैरो घाटी से एक रोड जाती गंगोत्री, अच्छा एक जाती निलोंग। अच्छा, तो वो हैरो घाटी से हमारा जो साइट है वो 18 किलोमीटर निलोंग घाटी। निलोंग घाटी को कहा जाता है उत्तराखंड का लेह लद्दाख। अच्छा, तो वहाँ पे क्या है कि आप बिना परमिशन के, हाँ, कोई भी आम नागरिक अलाउड नहीं है। अच्छा जी, जो हम लोग वहाँ काम कर रहे हैं तो उसमें पहले हमारे लेबर का, हमारा भी SDM से DFO से परमिशन बनी है, उसके बाद हम लोग वहाँ जा सकते हैं। मैं और शर्मा जी जब पहले आए थे ना, तो वो दिया को छोड़ने आए थे, वो आगे चला गया, मैं आते वक्त दिखाऊंगी आपको, क्योंकि मैं उस साइड थी ना, तो अब साइड चेंज हो गई हमारी। तो निम का जो था, तो जब इनकी छोटे ब्रदर हैं वो भैया के, राजा भैया और अपर्णा, उनके साथ आए थे। मैंने फ़ोटो भी शेयर किए हैं इंस्टाग्राम पर, काफ़ी सारे कई बार किए हैं उनके साथ शेयर, तो तब भी उनके साथ आए थे, अब की बार बड़े भाई के साथ आए हम। क्या एंजॉय कर रहे हैं बच्चे ना, क्रिकेट खेल रहे हैं गंगा जी के किनारे, ने कितना सुंदर बना हुआ है। ये प्रीति के शायद ननंद के का घर है, मतलब उनका होटल है, अभी सोना पड़ा है, चाय की तलब लगाई थी थोड़ी सी। तो यहाँ आके रुकते हैं, बिल्कुल आज का तो टूरिस्ट है ही नहीं, क्योंकि गंगोत अलाउड ही नहीं है। ऊपर बादल आ रहे हैं काले काले, ये देखो फोग बन हो रही है, क्या शानदार नज़ारा है ना। दिया सच बता, पुरानी यादें ताज़ा हो गई तेरी 2 साल पहले की? निम का कोर्स किया था, इसके पापा अभी बीच में बोल रहे थे, जब ये कहीं घूमने नहीं जाती थी ना, तो कहते थे इसने को बेकार कर दिया, तो बेकार नहीं किया इसने वो को, अब काम आ रहा है, तो अपने बच्चों को ना एक बार ज़रूर करवाना जब खुल जाए। अभी मुझे पता नहीं है, मैं इसका दूसरा लेवल भी कराऊंगी इसको, ये फर्स्ट लेवल था, एडवांस लेवल था, अब मैं इसका दूसरा लेवल भी करवाऊंगी। दिया बोल रही है यहाँ पे आके क्या मास्क लगा ना, सच में इतना प्योर है ना। और प्रीति को ना गले में प्रॉब्लम है थोड़ी सी, वो कह रही मेरी यहाँ के प्रॉब्लम दूर हो जाती है, और आप लोग दिल्ली से आते हैं, वो कहते हैं ऋषिकेश में आके मेरी मम्मी वगैरह आई, उनके पैरों में दर्द नहीं था, प्रॉब्लम दूर होगी, और हम यहाँ आए हैं तो और प्योर ऑक्सीजन, क्योंकि रोड कोई है ही नहीं, सब कुछ खाली पड़ा है। यूपी हरियाणा की गाड़ियाँ यहाँ पे भी आ रही हैं, दिल्ली मैंने कई गाड़ियाँ देखी हैं, और ये मंदिर के यहाँ से ही रास्ता जा रहा है नीचे जाने का। गंगोत्री 84। ये अब मतलब मैं वो नहीं कह सकती हूँ पूरा, मतलब जैसे माता का मंदिर वहाँ पे है तो ये यहाँ पे हुई थी, वो कह रहे रोड बना रहे थे तो तभी ये रोड मतलब क्या हुआ था, यही गाड़ी आगे बढ़ती गाड़ी आगे बढ़ती नहीं थी आगे यहाँ से ना, तो फिर यहाँ पे मंदिर बनवाया गया माता का, तब जाके आगे हुआ बढ़ने लगी। मतलब भगवान ना अपने अपने वो दिखा देता है कि मैं कुछ चीज़ हूँ, तुम ही सब कुछ नहीं कर सकते हो। ये भैया साइकिल पे आ गए हैं। हम वॉक करके निकल रहे हैं, भैया साइकिल पे आ रहे हैं, तो भाई आज हमने गुड इवनिंग नहीं करी है। गुड इवनिंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल, राम राम।
होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मतलब आनंद आनंदमय होंगे और हमारी तरह उत्तरकाशी में नज़ारों के आनंद ले रहे होंगे हमारे साथ। क्या हुआ? चलाऊंगी बाद में बहुत ही शानदार। ये है मनेरी डैम, मनेरी डैम यहाँ तक ना, यहाँ तक पानी की वो आ रही है, छींटे पूरी ऊपर तक आ रही है। ये पहली पिछली बार भी था, पर पिछली बार मैंने कम देखा था, हम मतलब उतरे नहीं थे। वाह हाय हाय, ये देखिए भैया ने बताया ये मनेरी डैम आगे है, उसका जो एक्सेस है ना वो यहाँ छोड़ रखा है, तो ये उसकी आउटलेट आ रही है बाहर से। क्या शानदार नज़ारा है, मुंह के ऊपर पूरा जल पानी आ रहा है। वाह क्या शानदार नज़ारा है, देखिए वाह ये देखिए है ना सच में बहुत ही शानदार नज़ारा है, मेरे GoPro कैमरे के ऊपर भी आ गया है सच में। वाह अद्भुत, अल्टीमेट। भैया ये प्रीति की ननंद, ननंद हाँ ननंद का घर है, मेरे हस्बैंड की मौसी की बेटी, हस्बैंड की मौसी की बेटी है। और मुझे तो पता नहीं था, मैं सोच रही थी घर, और अच्छा बना रखा है बिल्कुल घर जैसा खाना। और ये देखिए टॉयलेट भी साफ सुथरे हैं, और होम स्टे भी देते हैं कि आगे नहीं जा सके हो तो यहीं आके रुक जाओ। तो हमें इन्होंने बेचारों ने, हम तो वैसे ही आए थे घर के, ये तो आते रहते हैं वैसे नीचे रुकते हैं, पर अब ये खाली पड़े हैं तो फिर हम यहीं रुक गए हैं, ऊपर ही रोक दिया इन्होंने। और बहुत अच्छा बिल्कुल साफ़ सुथरे घर की तरीके से देखिए, एकदम मतलब बेडशीट वगैरह सब साफ़ सुथरी है एकदम से। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए। माता पिता बच्चों का ध्यान रखें, बच्चे माता पिता का ध्यान रखें, बच्चे आजकल रख रहे हैं दिया मेरे साथ आइए और पेड़ जरूर लगाएं। देखा कितने पेड़ हैं, हरियाली है यहाँ पे। हर हर गंगे हर हर महादेव।